इस फोटो को देखना। अब मैं जूम करता हूँ, और ज़्यादा जूम करता हूँ, और ज़्यादा और ज़्यादा, और अशोक का चक्र देखो कितना ज़्यादा डिटेल में है। इस फोटो में देखो ये बोर्ड देखो, जूम करता हूँ, जूम करता हूँ, क्रिस्टल क्लियर डिटेल। ये फोटो आपको सरप्राइज कर सकता है। देखो नॉर्मल है, मैं अभी जूम करता हूँ, जूम करता हूँ, जूम करता हूँ, और ये देखो, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं स्टॉक नहीं कर रहा था, इट्स अ कोइंसिडेंस। ये एक पोर्ट्रेट फोटो है, इसका एज डिटेक्शन देखो, मतलब इस एरिया पे देखो एज डिटेक्शन कितना परफेक्ट है। मुझे लगता है कि उतना ज्यादा हाइप काफी था। इस वीडियो में हम करने वाले Realme 6 का डिटेल कैमरा रिव्यू, जिसमें मैंने बहुत सारे लाइटिंग सिचुएशन में इसके फोटो सैंपल्स लिया है, ऑर्डर वाइज सैंपल दिखाऊंगा और एंड में अपना कंक्लूजन दूंगा। बता देता हूँ कि किस किस का मैंने सैंपल लिया है, आउटडोर फोटोज लिया है, आउटडोर सेल्फी लिया है, आउटडोर पोर्ट्रेट लिया है, पोर्ट्रेट सेल्फी लिया है, मैक्रो लिया है, अल्ट्रा वाइड लिया है, इंडोर सेल्फी, इंडोर लाइटनिंग, फिर नाइट में सेल्फी, नाइट में पोर्ट्रेट और नाइट के फोटोज। ठीक है, तो आपको ना एक डिटेल आइडिया मिलने वाला है कि इसका कैमरा कैसा है, क्या 13,000 रुपीज में वर्थ है, क्या ये 64 मेगापिक्सल जो कैमरा है एक गिमिक है या अच्छे, मतलब बिल्कुल काम करता है। ये वीडियो अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल ये सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एंड में ना मैं इसका कंक्लूजन देने वाला हूँ, क्योंकि एज समवन जिसने ये सारे फोटोज को मैंने पीसी पे ट्रांसफर करके, मतलब बड़ी स्क्रीन पे देखा है, जूम करके देखा है, तो ज्यादा आइडिया है मेरे को कि कैसा है। ये सब ना आप इस वीडियो में नहीं देख पाओगे क्योंकि आप जूम तो नहीं कर पाओगे ना, तो इसलिए वेट करना कंक्लूजन के लिए। वीडियो को शुरू करते हैं। Thank you.
उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो को हाई क्वालिटी पे रख के देखा होगा। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसके जो कैमरा है वो कितना कैपेबल है। अब मैं बताता हूँ कि देखो, आउटडोर में आपके फोटोज बढ़िया आती है, चाहे आप नॉर्मल कैमरा से लो या 64 मेगापिक्सल से लो, आपकी फोटो नॉर्मल अच्छी खासी आएगी। आपका जो नॉर्मल कैमरा है वो 1x पे रहेगा, आप उसे 10x तक जूम कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आउटडोर में मेरे हिसाब से काफी अच्छी डिटेलिंग है। आपने देखा ये, देखो 64 मेगापिक्सल से अगर आप फोटो लोगे ना तो डिटेल बहुत बढ़िया आती है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ ज्यादा ओवर प्रोसेसिंग हुआ है, आपको नेचुरल सा फोटो नहीं मिलता। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम रेडी फोटो जैसा। देखो, इससे आप डायरेक्टली खींच के इंस्टाग्राम में अपलोड कर सकते हो, एडिटिंग की जरूरत नहीं। पर मैं प्रेफर करता कि भाई थोड़ा सा नेचुरल या फ्लैट इमेज आए ताकि हम बाद में एडिट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन नहीं है। पर कोई बात नहीं यार, आपको तो बस सोशल मीडिया में अपलोड करना है ना, उसके लिए स्टनिंग फोटोज आएगा। पर आउटडोर सेल्फी भी डिटेल है, मैंने बियर्ड वगैरह में भी मैंने जूम करके देखा, काफ़ी ज़्यादा डिटेल आया था। और डायनेमिक रेंज भी है और HDR आपको सेल्फी में भी मिल जाती है, तो अगर पीछे ज़्यादा ब्राइट है तो आप भी अच्छे तरीके से एक्सपोज होंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटडोर पोर्ट्रेट भैया, इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस। आपने तो सैंपल देखा ही होगा, स्टार्टिंग में बहुत ही बढ़िया पोर्ट्रेट निकालता है। देखो, अगर 10 पोर्ट्रेट निकालते हैं उसमें से हो सकता है कि 2 या 3 में आपको थोड़ा सा ईयर्स कट जाए या कुछ, पर बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा कैप पहनता हूँ, तो इसका रियर कैमरा पोर्ट्रेट ने बहुत ही बढ़िया काम किया, मतलब कैप को भी मतलब इसने अच्छे से रिकॉग्नाइज किया और बढ़िया किया। उसके बाद पोर्ट्रेट सेल्फी हिट और मिस है। देखो, अगर थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो तो बिल्कुल बढ़िया सेल्फी आएगी, वरना तो कैप को उड़ा देता है या कभी ईयर्स को उड़ा देता है। पर मैं स्पेशली इंप्रेस था नाइट के पोर्ट्रेट में, उस समय यार मतलब एक डिफरेंट ही लुक देके बढ़िया निकाल रहा था। आपने सैंपल देखा ही होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल था, उससे मैं सरप्राइज था। उसके बाद मैक्रो, आपको मैक्रो का भी ऑप्शन मिल जाता है। मैक्रो में आप वीडियो नहीं बना सकते हो, पर मैक्रो का ऑप्शन मिल जाता है तो वो भी बढ़िया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्ट्रा वाइड फोटोज़, मैं बार बार आपको सजेस्ट करूंगा कि अल्ट्रा वाइड जो फोटोज़ है ना वो आप बिल्कुल वेल लिट एरियाज में ले रहे हो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप घर के अंदर अल्ट्रा वाइड यूज कर रहे हो, मेरे हिसाब से घर के अंदर अल्ट्रा वाइड यूज करने के लिए बना नहीं है, ठीक है। जब आप बिल्कुल एक सीनरी ले रहे हो या बिल्डिंग ले रहे हो, बढ़िया लाइटनिंग है, तब आपका अल्ट्रा वाइड भी बहुत बढ़िया आता है। आपने सैंपल देखा ही होगा, बहुत ही बढ़िया है, मतलब मेरे हिसाब से 120 डिग्री कुछ इसका फील्ड ऑफ व्यू है और बहुत बढ़िया है। घर पे मत ट्राई करो, फिर मत लिखो कि भाई अल्ट्रा वाइड आपका खराब है, बेकार है, ठीक है। उसके बाद इंडोर लाइटनिंग में भी आपको बस नॉर्मल डिटेल मिल जाती है। इंडोर सेल्फी में थोड़ा सा नॉइज देखने को मिल जाता है अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे, सेम विद द केस विद नाइट सेल्फीज में भी थोड़ा सा नॉइज देखने को मिल जाती है। पर ना यार, थोड़ा सा एडिटिंग, थोड़ा सा लाइट रूम का यूज करके बढ़िया फोटो निकल सकता है। एवरीथिंग इज नॉट पॉजिटिव, इसमें नाइट मोड दे रखा है रियर में भी फ्रंट में भी, पर मेरे को समझ ही नहीं आता यार कि वो कर क्या रहा है, बिल्कुल ही यूजलेस लगा मेरे को, ठीक है। जब आप नाइट मोड में फोटो लेते हो तो वो कहता है कि स्टेबल रखो और वो 4 सेकंड तक फोटो लेता है, बस मेरे को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा रहा है और कुछ भी नहीं। और सेल्फी में जब वो है ना नाइट मोड, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। अगर थोड़ा सा डार्क है ना तो बिल्कुल ही ब्लैकआउट कर देता है। अगर आप नॉर्मली फोटो लेते हो ना तब भी थोड़ा सा लाइट दिखता है फेस में, पर अगर आप नाइट मोड यूज कर रहे हो ना वो बिल्कुल ब्लैकआउट कर देता है। मेरे फोन में अभी तक एक अपडेट आ चुका है, क्या पता अपडेट के बाद ठीक हो जाए, मैं कंफर्म नहीं हूं, पर मैं अभी बता रहा हूं अभी तक एक अपडेट आ चुका है और नाइट मोड दोनों में ही बिल्कुल बेकार काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एस ऑफ नाउ कैमरा गेट्स अ थम्स अप यार, बिल्कुल बढ़िया है। क्रोमा बूस्ट वगैरह ऑप्शन मिल जाता है, थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसके साथ। इसमें एक्सपोर्ट मोड भी मिल जाता है, तो एक्सपोर्ट मोड में मैंने रात में काफ़ी अच्छी फोटोज निकाली थी, इस सैंपल में मैंने नहीं दिखाया था। तो आप थोड़ा सा चेंजेस ट्वीक्स वगैरह करके देखो, बहुत ही बढ़िया केपेबल कैमरा है इसका। तो मुझे पता है कि आप क्या कहने वाले हो कि भाई वीडियो सैंपल्स का है अभी आधे घंटे में अपलोड होने वाला है, जिसमें मैंने नाइट सैंपल, डे सैंपल, अल्ट्रा वाइड, सेल्फी सारी वीडियो निकाला है, रुड़की में निकाले, थोड़ा सा मैंने रुड़की की चीज़ें भी दिखाया, थोड़ा सा एंटरटेनिंग होगा। सब्सक्राइब कर लेना, वेट करना और उसे भी शेयर करना। अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।